रात के 11 बजे लाइट चली गई और बहुत ज्यादा इशू हो गया और मेरे को मैंने तो रुक लेके भी जा रहा था तो साइकिल से कहां जाता मैं जैसे ना करो जल्दी ना करो तो जल्दी से करो यार छट लग रही है बाहर। फ्रेंड्स कैसे हैं सभी लोग, वेलकम बैक टू माय द व्लॉग, वीर द व्लॉगर का स्वागत है। टाइम भी तो देख लीजिए, तो अभी हो रहे हैं 12:50। आज है थर्सडे और 3 फरवरी और ये मस्त तरीके आज धूप निकली हुई है, एकदम कड़कती धड़कती। और आगे वो वाला जो घर है ना आगे वाला, उसमें शायद कोई फंक्शन है आज, तो इसलिए वहाँ पे टेंट पर लगा हुआ है। और अभी आज सूर्य में बारह दिन ऐसे चिपकी चिपकी से क्यों है, तो आज मेरी क्लासेस चलती थी और सुबह मम्मा गई थी ऑयलिंग करके, तभी मेरे को जाना नहाना भी है, तो ये फिर तेल एकदम चपड़ चपड़ हुआ पड़ा है, फिर जाके कुछ छूटेगा वरना नहीं छूटने वाला। और मम्मा ने बनाया हुआ आज छोले और चावल, जो कल मैंने आपको देखा कुछ ज़्यादा ही बन गया था, थोड़ा सा रखा हुआ है उसे मैंने गर्म करके खा लिया था। और बाकी यार तो पूरा दिन ऐसी बीत गया बोरिंग बोरिंग। मम्मा भी जा चुके हैं अपनी जॉब पे, पापा भी जा चुके हैं अपने काम पे, ठीक है ना। और देखते हैं पूरे दिन क्या क्या होने वाला है। फ्रेंड्स अभी टाइम के साथ देख रहे थे, अभी बज रहे हैं कितना बजे, टाइम के साथ देख रहे थे तो अभी हो रहे हैं 2 बज रहे हैं, ठीक है ना। और मैं अभी जा रहा हूँ नहाने, बिकॉज मैं बहुत बिजी चल रहा था, बिकॉज मैं अभी एडिटिंग कर रहा था और अपलोडिंग कर रहा था, उसमें बहुत सारा टाइम खत्म हो गया कि अच्छी खासी धूप निकली, क्या मस्त लग रहा है ना आज पेड़, ठीक है ना। तो जैसे चलते हैं नहा लेते हैं, ठीक है ना। और खाना तो बस मैंने खा ही लिया था, लेकिन फिर से कुछ भूख सी लग रही है, पेट में ना कुछ हलचल सा और, ठीक है ना। तो पहले नहा के आते हैं फिर खाएंगे। और अभी 4 बजे से मेरी एक क्लास भी है आर्ट्स एंड एनिमेशंस की, ठीक है ना, तो वो भी करनी है। तो मैं जा रहा हूँ थोड़ा अपने स्कूल का काम करने, वो ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं स्कूल में क्या क्या होगा। कि मैंने अभी अपनी डेली एक्सरसाइजेज जो होती हैं बहुत भारी भरकम, आप अपने पैर में दर्द करके, जो मेरी डेली एक्सरसाइज होती है भारी भरकम वाली, वो अभी मैंने कर ली है, पेट एकदम दर्द कर रहा है उसकी वजह से। तो भी मैं सोचूं कि आज सुबह से मेरा पेट क्यों दर्द कर रहा है, मैंने सुबह में एक्सरसाइज किया था ना और अभी तक मैं पेट दर्द कर रही, क्योंकि थोड़ा हैवी एक्सरसाइज होती है ना वो, ठीक है ना, तो उसी वजह से मेरा पेट दर्द कर रहा है। ठीक, कोई बात नहीं, और अभी थोड़ी धूप खत्म हो जाती है फिर चलते हैं पार्क में, फिर बस साइकिलिंग करेंगे। गाइस मेरा जो क्लास था आज का कंप्लीट हो चुका है फुल्ली, बहुत मज़ा आया, मैंने एडमिशन्स की आज, ठीक है ना। जो GIF होती है ना, GIF जो व्हाट्सएप पे आप लोग छोटी छोटी सी वीडियो भेजते हैं, आज मैंने 2 बनाई, एक स्पेस वाली और एक बटरफ्लाई और एक कैरेक्टर के साथ, ठीक है ना, मज़ा आ गया आज तो बना के, बहुत अच्छा लगा। बाकी शाम हो चुकी है जिसके आप देख ही सकते हैं ना। चलिए अभी चलते हैं रूम में और थोड़ा सा रूम क्लीन कर देते हैं, किचन क्लीन कर देते हैं, फिर मम्मा आने वाली हैं थोड़ी देर तक, और फिर अगर मम्मा आएंगी तो थोड़ा सा काम करके रखना चाहिए ना, है थोड़ा रूम रूम क्लीन कर देते हैं तो अच्छा रहेगा ना, तो जल्दी से जल्दी रूम क्लीन कर देते हैं। फ्रेंड्स मामा और मामी जॉब पर से आ चुके हैं और मामा मामी का फ़ोन आया था कि आ जाओ मिलने, तो चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं रात में क्या वहाँ पे पार्टी होती है। और बैकग्राउंड सिर्फ खाने का सोच रहे थे और बैकग्राउंड मम्मा भी हैं, ठीक है ना। तो बाय मम्मा, ठीक है ना, थोड़ी देर में मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ हाँ विदाई। मस्त है ना ये घर सजा हुआ, कि ना मस्त एकदम सुंदर से सजाया हुआ है, और बाकी रोड पे तो एकदम अंधेरा हुआ पड़ा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है दूर दूर तक, लेकिन कैसे ना कैसे करके हम लोग पहुंच ही जाएंगे, नहीं चल रहा होगा। चलिए हम लोग जल्दी से पहुंचते हैं उनके घर पे और फिर आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स मैं मामा के घर पे पहुंच चुका हूँ और बैक कैमरा ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। मैं अपना तबला बजा दिया दरवाजे पे, ये देखिए मामी यहाँ पर है और मेरे मामा ये रहे, बेचारे मेरे मामा, क्या होगा आपका यार, कुछ नहीं होता। ये देखिए क्या करवा रहे हैं, ये देखिए, चलिए कुछ नहीं होता। अच्छा बस मुन्ना बस मुन्ना बस मुन्ना बस। तो हे फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं मम्मा को लेने आधे रास्ते, ठीक है ना, मम्मा आ गए आधे रास्ते, अभी हम लोग भी चलते हैं, ठीक है ना। तो मामा के यहाँ पे ये देखिए, तो जल्दी से चलते हैं, ठीक है ना, मम्मा को लेके आते हैं फिर आपको यहीं पे मिलते हैं। फ्रेंड्स आज मामा का वो व्लॉग चलिए मैं ही शुरू कर देता हूँ, तो मामा मैं करूँगा आपकी कॉपी। हम लोग ऑफिस से आ चुके हैं, किचन का सारा काम हो चुका है, बर्तन बासन धो चुके हैं, बाथरूम में जाके मुंह पे फेस वॉश रगड़ चुके हैं, क्रीम एकदम थोप चुके हैं, पिछले साल की पुरानी शर्ट पहन चुके हैं और हम लोग अभी बैठे हुए हैं। तो ये थी मेरी लाइनिंग, मैं दुख भरी लाइनिंग, मेरी दुख भरी लाइनिंग ये थी,
तो यही थी लाइन सच में। तो रणवीर सिंह आ चुके हैं, अब थोड़ी देर में दीदी भी आने वाली है, आने वाली है ना फोन पे, और यहाँ पे खाने की तैयारी चल रही है, यही है ना? बन क्या रहा है? तो फ्रेंड्स अंजलि जी हमारी बना रही है अंडा ग्रेवी। वाह अंजलि मस्त लग रहा है, अंडे को फ्राई नहीं किया था क्या तुमने? अंजलि तू ऐसी छोटी सी बच्ची लग रही है जो मतलब कि चौथी पांचवी क्लास में पढ़ती है वो, है दीदी? हेयर बैंड लगा के है ना, कुछ ज्यादा तारीफ नहीं होगी? मुझे बट मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादा तारीफ नहीं होगी, हंसने लगे कि है ना मेरी तारीफ हो गई ये, और तू क्या तबला बजा रहा है? खराब मत कर देना, 1000 रुपए में खरीदा था, बाप रे बाप। फ्रेंड्स रात के बज रहे हैं 10:30 और मुझे बहुत हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि एक कमेंट आया है कि खाने की खाने का कुछ ब्लॉग बना लिया अगर मेरे को आया है। ये लोग तो होते ही फ्री ब्रेकफास्ट टाइम और लंच डिनर टाइम में है, लंच टाइम में तो बिजी होते हैं ऑफिस में, दिन भर में ब्लॉग क्या बनेगा। मॉर्निंग में हमें जाना होता है तो उस टाइम खाना बनाते हैं और रात में जब आते हैं तो खाना बनाते हैं, साथ के साथ ब्लॉग में भी वो चीज़ डल जाती है। तो रिक्वेस्ट है कि खाने के अलावा भी कुछ बना लिया करो, यू आर राइट, बट एट द टाइम ऑफ सिचुएशन जो होती है हमारी, मतलब सुबह शाम जो एट अ टाइम कुछ कंटेंट नहीं मिलता बनाने के लिए, तो ये आदमी है जो कंटेंट हो सकता है, किसी को बना दे। आज भर मैं बना देता हूँ कि आज खाने में क्या बना है, प्लीज आज भर मैनेज कर लो, आज आज भर, सिर्फ आज लास्ट डे है बस, आज आज के बाद मैं खाने का ब्लॉग नहीं बनाऊंगा। तो आज है यहाँ पे है चावल, चावल और अंडे, और यहाँ पे है ग्रेवी, और मामी ने बनाया कुछ पता नहीं है कैसा होगा, लेकिन देखते हैं धीरे बोल सुन लेगी बाप रे बाप, क्योंकि मामी हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती है, और ये मामी का पता नहीं कौन सा पांचवा छठा एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं कैसा आपको बताएंगे। ओके जल्दी आ जा रणवीर, थोड़ा नहीं करते यार, ठोक ना लो, चलो इधर घूम जाओ। फ्रेंड्स तो रात के 11 बजे लाइट चली गई है और बहुत ज़्यादा इशू हो गया है, और रणवीर को हमने यहीं पे रोक लिया क्योंकि ज़्यादा रात हो गई थी, तो साइकिल से कहाँ जाता। रणवीर सिंह आप करोगे जल्दी अंदर? यार मैं मिट्टी झाड़ दूँ पहले? ना झाड़ो, चलो जल्दी खेती करो यार, ठंड लग रही है बाहर। सो हे फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे मम्मा पप्पा मेरे को छोड़ के जा चुके हैं, बिकॉज इन्होंने मेरे को रोक लिया है, ठीक है ना, कहते यहीं पे रुक जा, कल एक साथ चलेंगे, और इनको ऐसे उठा के ऐसे बाहर एकदम धक्का से देने का है, ठीक है ना। चलिए तो आजाद यहीं पे रुकना है, तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मुझे कमेंट से जरूर बताएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, तो बाय बाय। समझ ना आया कि बोल रहे हो छोड़ो, आप लोगों को समझ में आया ना, बड़ी अच्छी बात।